नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 9 के इन दोनों सवालों को, और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 तो हमने कर लिया है, तो प्रश्न क्रमांक 11 को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं क्या है। त्रिभुज एबीसी हमारे पास है जिसका कोण भी समकोण है। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, कोण भी समकोण रखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से यहां जो दिया गया है, सबसे पहले हमने वो लिखा कि एक त्रिभुज एबीसी है और वो समकोण त्रिभुज है, कोण भी हो गया 90 अंश। अब आगे हमें दिया गया है टेन ए बराबर 1/3, और फिर हमें इन सबके मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होना जरूरी है, तब हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम तीनों भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखिए, टेन हमें दिया गया है, तो यहाँ पे टेन का ही हम फार्मूला लगाएंगे। तो टेन का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, तो टेन का फार्मूला लंब बटे आधार होता है। तो यहां पे देखें, ए कोण के लिए, यहां पे ए कोण की बात हो रही है, तो ए कोण के लिए लंब कितना होगा? बीसी होगा, और आधार कितना होगा ए कोण के लिए? ए बी हो जाएगा। तो यहां पे लंब बटे आधार का मान 1/3 हमें दिया गया है। अब यदि हम बीसी का मान 1 लेते हैं, तो ए बी का मान 3/4, तो बीसी का मान 1 लिया तो ए बी का मान 3/4। देखिए, दो भुजाएं तो हमें पता है, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लें। तो हम समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग, और कर्ण कौन सी भुजा है? एसी है, तो एसी का वर्ग बराबर होगा, यहां पे देखिए लंबी यदि हम बीसी मान के चलते हैं तो बीसी का वर्ग, और आधार एबी मानते हैं तो एबी का वर्ग। अब देखिए, सबके मान रखिए, एसी का मान तो हमारे पास है नहीं, बीसी का मान है हमारे पास 1, तो 1 का वर्ग रखेंगे, और एबी का मान कितना है? 3/4 है, इसका भी वर्ग करेंगे। अब देखिए, यहां एसी वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1, 3/4 का वर्ग करते हैं तो 3/3 से बाहर आ जाते हैं। अब एसी वर्ग बराबर आ गया, 1 और 3 हो गए 4। अब एसी वर्ग का मान 4 है, हमें तो मान चाहिए एसी का, और एसी का मान 4 का वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल या करणी आ जाती है। अब एसी बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो एसी मतलब यहाँ कर्ण वाली भुजा 2 की होगी। अब देखिए, हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गईं। अब देखिए, पहले और दूसरे सवाल में हमें जरूरत होगी साइन ए कॉस ए की जरूरत, साइन सी कॉस सी की जरूरत। तो इन सब मानों को हम पहले से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, हम इन चारों के मान ज्ञात करते हैं, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो ध्यान से समझना इनके मान। देखिए, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस का फार्मूला आधार बटे कर्ण। पहले हम ए कोण की बात करते हैं, तो ए कोण के लिए यदि हम देखें तो ये रहा ए कोण। ए कोण के लिए लंब हो गया बीसी, और ए कोण के लिए आधार हो गया ए बी। कर्ण तो फिक्स है, एसी रहेगा। तो देखिए, ए कोण के लिए लंब बटे कर्ण की यदि हम बात करें तो लंब कितना होगा? बीसी होगा, और कर्ण कितना होगा? एसी होगा। अब देखिए, बीसी का मान है 1 और एसी का मान है 2, तो 1/2 हो गया साइन ए का मान। अब देखिए, कॉस ए के लिए, तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है। ए कोण के लिए आधार कितना है? ए बी है, और कर्ण एसी है। ए बी का मान 3/3 है, और एसी का मान 2 है। तो ये हो गया कॉस ए का मान। अब देखिए, हम साइन सी और कॉस सी की बात करेंगे। तो यहां पे ध्यान रखना, यदि हम सी वाले कोण की बात करेंगे तो सी के सामने की भुजा ए बी लंब हो जाएगी,
और कोण सी को बनाने वाली भुजा बी सी आधार हो जाएगी, तो हम लंब रखेंगे ए बी और आधार रखेंगे बी सी, कर्ण तो फिक्स है ए सी। तो देखिए साइन सी की बात करें तो लंब बटे कर्ण, अब सी कोण के सामने का जो लंब है वो क्या है, ए बी है और कर्ण तो ए सी है, तो ए बी बटे ए सी, और ए बी का मान कितना है, कर्णी तीन है, ए सी का मान दो है। अब देखिए कॉस सी की बात करें, आधार बटे कर्ण होता है कोण सी के लिए, आधार क्या है कोण सी के लिए बी सी है, और कर्ण क्या है, कर्ण तो ए सी फिक्स है, अब बी सी का मान एक है और कर्ण का मान ए सी का मान दो है, तो साइन सी और कॉस सी के मान इस प्रकार से हो गए। अब हम लेते हैं पहला सवाल, तो हमने पहला सवाल लिया साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी बराबर मान निकालें, साइन ए का मान है एक बटे दो, एक बटे दो रखा, देखिए यहां कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा, कॉस सी का मान भी एक बटे दो है, और फिर है प्लस, फिर कॉस ए का मान कितना है, कर्णी तीन बटे दो है, यहां कोई चिन्ह नहीं है गुणा माना जाएगा, साइन सी का मान कर्णी तीन बटे दो है। अब देखिए आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक बटे दो का एक बटे दो से गुणा, तो एक का एक से कर दो, दो का दो से कर दो चार, प्लस यहाँ कर्णी तीन और कर्णी तीन का गुणा, तीन बाहर आ गए कर्णी से, दो और दो का गुणा चार हो जाएगा, और आगे यदि आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे चार और चार का चार एलसीएम होगा, चार से चार कट जाएंगे, एक का एक आएगा, चार से चार कट गए तीन के तीन, अब यहाँ तीन और एक जोड़े चार बटे चार, चार बटे चार मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक। आगे हम इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए का मान देखिए कितना है, कर्णी तीन बटे दो है, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा, कॉस सी का मान है एक बटे दो, फिर है माइनस साइन ए का मान एक बटे दो है, एक बटे दो, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है गुणा साइन सी का मान, कर्णी तीन बटे दो है, तो सबके मान हमने रखे, आगे ध्यान देना कर्णी तीन का एक से गुणा, कर्णी तीन दो और दो का गुणा चार हो जाएगा, माइनस एक का गुणा कर्णी तीन से, कर्णी तीन दो और दो का गुणा करेंगे चार हो जाएगा। अब देखिए कर्णी तीन बटी चार माइनस कर्णी तीन बटी चार मतलब एक धन की एक ऋण की संख्याएं कट जाएगी, तो आंसर कितना आएगा, फिर जीरो आएगा। इस प्रकार से सेकंड सवाल और फर्स्ट सवाल दोनों कंप्लीट हुए, तो प्रश्न नो कंप्लीट हुआ। अगला ग्यारहवा सवाल है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, सत्य असत्य बताना है, तो ये सब समझने से पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए ताकि ये सवाल आसानी से आप बता सकें। तो ध्यान देना यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण और कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो ध्यान देना साइन का फार्मूला क्या होता है, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, और कॉस का फार्मूला भी होता है आधार बटे कर्ण, यहां पे भी कर्ण बटे में, यहां पे भी कर्ण बटे में, और कर्ण आपको पता है सबसे बड़ी भुजा होती है, और जब सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण का मान होगा बड़ा, हमेशा कर्ण का मान बड़ा होगा, और आधार या लंब तो उससे छोटे होंगे, और बड़ी संख्या से यदि छोटी संख्या में भाग दिया जाए तो ध्यान रखना हमेशा उत्तर एक से छोटा ही आएगा, मतलब एक से लगा के जीरो के बीच आएगा, तो ध्यान रखना कि साइन और कॉस के मान जो होते हैं जीरो से लगा के एक तक होते हैं, ध्यान रखना ये चीज, तो साइन के मान जीरो से लगा के एक तक, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आधार का मान कभी कर्ण से बड़ा होगा ही नहीं। जैसे देखो आप एक एग्जाम्पल हम आपको लेके बताएं, जैसे हमने कहा पांच बटे तीन,
तो यहां पे आप कहोगे ये साइन है तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लंब का मान 5 और कर्ण 3 नहीं हो सकता है, और आधार का मान 5 कर्ण का मान 3 नहीं हो सकता है। तो यहां पे कहने का अर्थ यही है कि ऊपर की संख्या लंब और आधार कभी कर्ण से बड़ी नहीं होगी, और जब बड़ी नहीं होगी तो आंसर आएगा 0 से लगा के 1। तो ध्यान रखना, कर्ण यदि बटे में है तो 0 से लगा के 1 आंसर आता है। लेकिन यही बात हम पलट दें, साइन का उल्टा कर दें, तो साइन का उल्टा हमें पता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स होता है कर्ण बटे लंब, और यहां पे कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये होता है कर्ण बटे आधार। अब देखिए इसमें कर्ण है ऊपर, और कर्ण ऊपर है मतलब कर्ण का मान जो है ज्यादा होगा और लंब और आधार का मान कम होगा। जैसे 5/3 जो है यहां पे कोसेक भी हो सकता है सेक भी हो सकता है। तो ध्यान देना, यदि हम 3 का भाग 5 में देंगे तो हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा ना। तो ध्यान रखना कोसेक और सेक इन दोनों के मान हमेशा 1 से बड़े होते हैं, 1 से ज्यादा, और 1 से अनंत तक हो सकते हैं, कुछ भी कोई फिक्स नहीं है, तो 1 से अनंत तक हो सकते हैं। अब बाकी बात करें, साइन हो गया, कोसेक, कॉस और सेक हो गया। अब हम टेन की और कॉट की बात कर लेते हैं। तो देखिए टेन और कॉट में क्या चीजें होती हैं। टेन लंब बटे आधार होता है, और कॉट जो होता है आधार बटे लंब होता है। अब देखिए यहां पे कोई फिक्स नहीं है कि लंब का मान बड़ा होता है या आधार का मान बड़ा होता है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो फिर टेन के और कॉट के मान 1 से बड़े भी हो सकते हैं, 1 से छोटे भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना 0 से लगा के अनंत तक होते हैं टेन और कॉट के मान, क्योंकि 1 से छोटा कहें तो 0 से लगा के 1 होता है, और 1 से बड़ा कहें तो 1 से अनंत तक होता है। तो हम कह सकते हैं 0 से लगा के अनंत तक टेन और कॉट के मान हो सकते हैं। तो देखिए प्रश्न 11 क्या है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। देखिए कहा गया है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं टेन का मान 0 से लगा के अनंत तक होता है, और तो यहां पे बताया गया हमेशा 1 से कम होता है, तो 1 से कम नहीं होता है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम बताएंगे टेन का मान 0 से लगा के अनंत तक होता है। तो देखिए हम लिखेंगे यह कथन असत्य है। क्यों है? क्योंकि टेन का मान 0 से अनंत तक हो सकता है, लेकिन यहां बताया गया केवल 1 से कम होता है, इसलिए यह कथन हो गया असत्य। सेकंड सवाल है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 सत्य है या नहीं। तो यदि हम देखें 5 का भाग 12 में यदि हम देते हैं तो यहाँ पे 2 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 1 से तो बड़ा आया, और हमने आपको बताया था कोसेक और सेक हमेशा 1 से बड़े होते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल 1 से बड़ा आएगा। तो हम कह सकते हैं यह कथन सत्य है, क्योंकि यहां सेक का मान 1 से बड़ा है। तो हमने लिखा यह कथन सत्य है क्योंकि यहां सेक का मान जो 12/5 है वो 1 से बड़ा है। अगला तीसरा है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमने फुल फॉर्म बताए थे उनमें से कोसेकेंट की बात हो रही है, तो कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप कॉस ए कहलाता है क्या? तो देखिए हमने सब बताए थे आपको, तो यहां पे हमने आपको बताया था कोसेकेंट जो है उसका संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, लेकिन यहां पे कहा गया है कि कॉस जो है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। तो कॉस तो हमें पता है कोसाइन का होता है कॉस, तो यहां ये कथन असत्य होगा। तो हम लिखेंगे यह कथन असत्य है क्योंकि जो कॉस ए होता है वो कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोसाइन को हम संक्षिप्त में कॉस कहते हैं, जबकि हम कह सकते हैं कोसेकेंट
कौशिक का कहलाता है, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला चौथा सवाल है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं किसी ना किसी कोण के साथ लिखे जाते हैं, उनका गुणनफल नहीं होता। जैसे हमने साइन ए लिखा तो इसका मतलब कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है साइन ए। तो यहां भी हम कह सकते हैं कॉट और ए का गुणनफल कॉट ए नहीं होता है, ये क्या है, ए कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो हम लिखेंगे यह कथन असत्य है, क्योंकि जो कॉट ए है वो क्या है, कोण ए का एक त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए कोण ए के छह त्रिकोणमितीय साइन कोस टेन कोस एक्स एक कोट होते हैं, तो यहां पे ए कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात कोट ए होता है। ये कोट और ए का गुणनफल नहीं है, इस वजह से यह कथन असत्य है। अगला पांचवा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्या यह सत्य है। तो यदि हम देखें तो साइन का फार्मूला लंब बटी कर्ण होता है, और हमने आपको बताया था कि यहां पे इसका मान 0 से लगा के 1 होता है। यदि हम देखें तो यहां लंब बटी कर्ण 4/3 होगा, तो लंब का मान 4 और कर्ण का मान 3, कर्ण छोटा हो ही नहीं सकता। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन होता है उसका मान 0 से लगा के 1 तक होता है। लेकिन यहां पे देखें 3 का भाग 4 में दें तो 1 से अधिक आएगा, इस वजह से साइन थीटा बराबर 4/3 यह कथन असत्य होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है क्योंकि जो साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है ये 1 से अधिक है, जबकि साइन का मान 0 से लगा के 1 तक होता है, तो इसलिए यह कथन असत्य है। तो प्रश्न 11 के पांचों सवाल कंप्लीट हुए। धन्यवाद।